नमस्कार, मंच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ललिता सैनी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। वारी वृंदावन पुलिस ने वो कर दिखाया जो आज तक किसी भी थाने की पुलिस ने नहीं किया। रास्ता निकलने के विवाद की शिकायत लेकर पहुंची महिलाओं को 151 यानी शांति भंग करने के आरोप में उनका चालान कर दिया। जनपद में तेज तर्रार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी के तेवरों से जहां अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं वे जनपद छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। जनपद के विभिन्न थानों में भी उनकी धमक का असर साफ देखने को मिल रहा है, लेकिन थाना वृंदावन पुलिस शायद अभी अपने कप्तान के आदेशों और उनकी इच्छा शक्ति से सही तरह से वाकिफ नहीं है, वरना थाने में शिकायत करने पहुंची पीड़ित महिलाओं को ही पुलिस 151 में चालान कर न्यायालय में पेश कर अपने कार्य की इतिश्री मात्र नहीं करती। दरअसल ये मामला थाना वृंदावन की मथुरा गेट चौकी क्षेत्र अंतर्गत परिक्रमा मार्ग स्थित मोहनी नगर यमुना खादर में बनी कॉलोनी का है, जहां विनय गोस्वामी और राघवेंद्र आचार के मध्य लगभग 15-20 दिनों से रास्ता निकलने को लेकर विवाद चल रहा है। जानकारी के अनुसार सोमवार की दोपहर आधा दर्जन महिला पुरुष पड़ोसी विनय गोस्वामी के घर पहुँचे और उनकी पत्नी नेहा और छोटे भाई की पत्नी डॉली से मारपीट करने लगे। महिलाओं ने इसकी सूचना पुलिस को दी और शिकायत करने खुद कोतवाली आईं। महिलाएं गोद में लिए अपने मासूम बच्चों को रो रो कर आप बीती बता रही थीं, लेकिन कोई उनकी सुनने को तैयार नहीं था। वहीं कुछ देर बाद दूसरे पक्ष के राघवेंद्र आचार और उनकी दो महिला साथी भी थाना वृंदावन में पहुँच गए और विनय गोस्वामी और उनके भाई और पत्नी के खिलाफ मारपीट का आरोप लगाया। मामले में दोनों ही पक्ष के लोगों ने वृंदावन पुलिस को तहरीर दी। पीड़ित महिला नेहा का आरोप है कि राघवेंद्र आचार्य नामक व्यक्ति ने उनके घर में समीप बने रास्ते को कूड़ा डलवा कर बंद करवा दिया है। आरोप है कि आज दोपहर लगभग 12 बजे राघवेंद्र आचार्य और उनका पुत्र और अन्य लोग उनके घर में घुस आए और उनके सामान को फेंक दिया और मारपीट करते हुए बोले कि तुम इस रास्ते से गुजरे तो तुम्हारे पतियों को जेल भिजवा देंगे। महिला ने रोते हुए बताया कि उनके पति इस रास्ते को लेकर पिछले 8 दिन से डीएम और वरिष्ठ अधिकारियों के पास जाकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। वहीं राघवेंद्र आचार्य ने उल्टा महिलाओं पर ही देह व्यापार करने का आरोप लगाते हुए उनके परिवारजनों पर मारपीट करने का आरोप लगाया और कहा कि आज हमारी शिष्याएं मथुरा से हमसे मिलने आई थीं, इन्होंने हमारे घर पर आकर उनके साथ मारपीट की है। जब उनसे पूछा गया कि आपने इनका रास्ता रोक रखा है तो उन्होंने कहा कि बैनामा में जो रास्ता है उस रास्ते को ले लें, हमने कब रोका है। वहीं पुलिस ने दोनों ओर से दो दो महिलाओं को शांति भंग में चालान कर न्यायालय में पेश किया है। मेरा नाम नेहा गोस्वामी है। क्या घटना हुई है सर? आज जो घटना हुई है कि ये इन्होंने 10-12 5-6 लेडीज और क्या कहते हैं 5-6 आदमी हमारे घर में घुसा दिए, हमारे साथ बदतमीजी करने लग गए, हमारे साथ मारपीट करने लग गए, कह रहे तुम इस रास्ते से नहीं गुजरोगे और अगर तुम गुजरे तो हमारे साथ हम 4-5 आदमी घुसवा के गलत काम करवा देंगे और क्या कहते हैं तुम्हारे पतियों को जेल बदवा देंगे, तुम्हें हम यहाँ से रहने नहीं देंगे यहाँ पे बिल्कुल भी। किन लोगों ने, क्या नाम है उनका? उनका नाम है राघव, राघवेंद्राचार्य महाराज जी कहते हैं उनको, उनके बेटे का नाम है राघव सर। तो ये मामला कुल मिला के गली का है जहाँ से निकल सर, ये रास्ते का है। हाँ जी, और 8 दिन से हमारे पति बड़े बड़े अधिकारियों पे जा रहे हैं, डीएम ऑफिस आईडी ऑफिस सब अधिकारियों पे जा रहे हैं, वहाँ हमने एप्लीकेशन भी दिया लेकिन हमारी वहाँ कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है बिल्कुल भी। अब आई हुई तो पुलिस अब क्या कह रही है सर? अभी पुलिस हमें कह रही है कि दोनों पक्षों को 351 में कह रही है सर। और किस तरह की? हाँ जी सर, हमने पहले भी सूचना की थी पुलिस वालों को, पहले मेरे साथ बदतमीजी करी गई थी तभी हमने सूचना की थी सर पुलिस को, मैंने एक एप्लीकेशन डीएम ऑफिस में भी एप्लीकेशन दी थी सर, उसका भी कोई अभी तक हमें रिप्लाई नहीं आया, जवाब नहीं आया सर। और किस तरह की धमकी देते हैं ये लोग सर? हमें मारने काटने की धमकी देते हैं, जान से मारने की। पुलिस के लिए क्या कहते हैं सर? हम पुलिस को लेके कहते हैं सर कि पुलिस हमारी जेब में बैठी है, तुम जो मर्जी करो, पुलिस हमारे पक्ष में है, तुम्हारी कोई भी सुनवाई नहीं होगी सर। और ये शारीरिक और देह व्यापार का काम करती हैं। आज से 20 दिन 25 दिन पहले इसका देवर जो है दारू पी करके और गाली गलौज करना, आश्रम के लोगों के साथ में मारपीट किया, जिसका जो है वृंदावन कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत हुआ, जेल भी गया, दो बार हो चुका। फिर एक लड़के को बड़ी बुरी तरह से मार दिया आश्रम में, एक माता जी को बड़ी बुरी तरह उनका मार के हाथ तोड़ दी। आज ये दोनों महिलाएं मथुरा की हैं, हमारी शिष्या हैं, हमसे मिलने जुलने आई थी। तो ये ऊपर से जो है एक महिला को जो है ये जो दादी नाम की महिला है वो जो है ईंट मार दी तो उससे उसको चोट लग गया। फिर जो है वो गाली गलौज हुआ तो
उसमें यह है कि ये सब जो है एक बदतमीज और महिला हैं, इन समूह की दो दो तीन तीन शादियां हैं, और जो है ये इन समूह के यहाँ बाहर से लड़के जो है दिन भर में दो चार दस रात में आते रहते हैं, उससे हम लोगों के यहाँ जो अशांति है वो अशांति फैल रही है। महाराज जी, इनका आरोप है कि आपने इनका रास्ता रोक रखा है। रास्ता इनका कुछ नहीं, इनके बैनामा में जो रास्ता है अपना रास्ता ले लेंगे, अगर इनके बैनामे में जो रास्ता है अपना रास्ते का यूज करें, वो तो ग्राम समाज की जमीन है, और ग्राम समाज की जमीन है, उसको तो हम लोगों ने जो है भू माफियाओं से बचाया उसको। अभी भी उसमें 122 बी 4 एफ का जो मुकदमा चल रहा है, जिसमें भू माफिया लोग दावा कर रहे हैं कि 20-25 साल से हमारा कब्जा है, तो इस ज़मीन को हम लोगों ने बचाया है, पूरा अधिकारी जानते हैं। उस पर वृक्षारोपण हो चुका है, वृक्षारोपण आपके जिलाधिकारी विशाल चौहान जी के द्वारा वृक्षारोपण कराया गया, उसके देख हम तो केवल उसकी देख रेख करते हैं। गोवर्धन में डकैला थाने को लेकर सिपाही के डंडे से कढ़ाई में खौलता तेल एक बच्चे पर जा गिरा। इस घटना से गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा काटा, बाद में बच्चे को अस्पताल भेजा गया। के कुछ मथुरा के गोवर्धन कस्बे में रोड जाम कर हंगामा करते ये लोग आक्रोशित हैं। यहाँ डीग अड्डे पर मंगोड़े बेचने वाले एक किशोर के झुलस जाने से आक्रोशित लोगों का आरोप है कि गोवर्धन थाना के कुछ पुलिसकर्मी यहाँ आए और अपनी धकेल लगाकर मंगोड़े बेच रहे किशोर के डंडा मार दिया। इससे गरम तेल की कढ़ाई किशोर पर गिर गई, जिसकी वजह से किशोर गंभीर रूप से झुलस गया, जिसके बाद लोगों ने उसे गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया। किशोर के झुलस जाने से लोग आक्रोशित हो गए और उन्होंने गोवर्धन बरसाना रोड जाम कर दिया। जाम की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग किशोर के झुलसने से बेहद आक्रोशित थे, जिस वजह से उनकी पुलिस से भी झड़प हुई। इस घटना की खबर पाकर एसपी देहात आदित्यनाथ शुक्ला भी मौके पर पहुंच गए और लोगों को समझाया बुझाया। फिलहाल पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझा कर जाम खुलवा दिया है। सूत्रों की माने तो पुलिस को यहां नशेड़ियों का जमावड़ा होने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस यहां पहुंची तो नशेड़ियों में हलचल मच गया और वे भागने लगे। इसी भाग दौड़ में धकेल पर तेल की कढ़ाई गिर गई और किशोर झुलस गया। यहाँ पे मंगोड़ा से गए थे कहिया में, वो सर आए थे, उन्होंने यहाँ पूछा था क्या हो रहा है यहाँ, सर हम मंगोड़ा से गए, तो उन्होंने आज तक हम तेल जो कहिया थी उसमें धक्का मार दिया। किसने मार दिया? किसने मार दिया? वो दरोगा जी आए थे। कौन से दरोगा जी? नाम तो नहीं मालूम, नाम नहीं मालूम था, लेकिन वो आए, उनकी बगल में जो बच्चा खड़ा था उनका बेटा, उस पर सारा तेल आ गया, वो सारा जल चुका। किसका बेटा था? किसका बेटा था? ओ उसका जगदीश, जगदीश का बेटा था। दखल नहीं है, दुकान है सर, दुकान है, दुकान है। बच्चे का नाम विष्णु है जी, विष्णु 8-9 साल का है बच्चा, ज्यादा जल गया है वो, सारा जला चुका, यहाँ तक जल चुका है, पूरा जला है। दरोगा जी का नाम मालूम है? दरोगा जी का नाम नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? शालिग्राम। क्या बात होगी थी? दरोगा फिर मंगोड़ा उतार रहे हो यहाँ पे, उन्होंने क्या करता है तो धक्का मार दिया था, मंगोड़ा उतार दो, लड़का पजर गया। क्या नाम है बच्चे का जो घायल हुआ है? विष्णु। विष्णु, विष्णु नाम है। क्या नाम है? विष्णु। विष्णु, हुआ क्या था? कचुना यहाँ आयो, वो पुलिस आए मंगोड़ा सीख रहे हो, पुलिस वाले आयो यहाँ पे, माने पूछी ना था कहा करो, माने धक्का मार दिया, माने जाम क्यों लगाए हो? जाम है, जाम जाम नहीं बात ला, छोरा बुढ़ सको सर, छोरा हालत खराब है। क्या बुढ़ सको छोरा? छोटो छोरा है, कई साल का हो भैया? तीन साल को, कोई बात होती आके बताते हमें, जब करते कोई बात हम बताते। ये पता चला कि कस्बा गोवर्धन में उधर बरसाना रोड पर एक चाय की दुकान थी, पकौड़ी आज भी बनती थी, कुछ वहाँ दारू पीने वाले लोग बैठे हुए थे, इसी पर दरोगा जी उधर से घूम रहे थे, पता नहीं किस स्थिति में वहाँ भगदड़ हुई, कैसे हुई, वो जो तेल था वो कढ़ाई से इनके इस बच्चे पर गिरा है, जो काफ़ी अधिक मात्रा में ये घायल हुआ है उसके जलने से, जिसको हम लोग तुरंत जैसे ही पता चला वैसे ले जाके इसको निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, प्राथमिक उपचार चल रहा है, और अभी हम लोग यहाँ मौके पर रहें, इसके बाद जाके निजी अस्पताल में बच्चे का भी हाल चाल देखते हैं, उसके परिजनों को भी वहाँ भिजवाया गया है, बाकी उम्मीद यही जाहिर करते हैं कि शीघ्र ही वो स्वस्थ हो जाए
और कोई ऐसी समस्या यहाँ पर नहीं। कुछ लोग इकट्ठा अवश्य हुए थे जिन्होंने अपना जो भी उनका बात रखनी थी रखा है, हम लोग उस पर विचार करेंगे। यदि किसी पुलिस वाले का दोष सामने आता है तो उसको निश्चित ही दंड दिया जाएगा। वृंदावन पुलिस ने गांजा बेचते एक साधु वेशधारी को पकड़ा है। उसके कब्जे से पुलिस ने 200 ग्राम गांजा भी बरामद किया है। मथुरा जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी के आगमन के बाद पुलिस तेजी के साथ अपराधियों और नशा कारोबारियों के विरुद्ध अभियान चला रही है। पुलिस के द्वारा लगातार चेकिंग कर संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों पर नजर रखी जा रही है। रविवार की देर रात मथुरा गेट चौकी प्रभारी मदन सिंह ने गश्त के दौरान कांच मंदिर के पास गांजा बेचते हुए एक व्यक्ति को दबोचा है। पकड़ा गया साधु वेशधारी जनपद कन्नौज के पाटा नाला का रहने वाला किशन गोपाल पुत्र भानु बताया गया है। पुलिस ने जामा तलाशी में उसके कब्जे से 200 ग्राम गांजा और गांजा बिक्री से प्राप्त 1100 रुपए भी बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि वो गांजे की छोटी छोटी पुड़िया बनाकर बेचता था। पुलिस ने अभियुक्त को आज माननीय न्यायालय में पेश किया है। वहीं साधु वेशधारी ने बताया कि वो गांजा बेचता नहीं है, सिर्फ पीता है। गांजा बेचते हो? जी नहीं साहब, पी रहे थे साहब हम दो तीन जने और पकड़ लिया हमको साहब और उन लोगों को भगा दिया सबको और पता नहीं किसने पकड़वा दिया हमको, कहते गांजा बेचते हैं। गांजा नहीं बेचते? नहीं साहब, दो चिलम था मेरे पास गांजा बस। कहाँ के रहने वाले? कन्नौज के साहब। यहाँ कैसे आए? यहाँ साहब चले आए, हमारी भी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है साहब, ये हमारी एक्सीडेंट में टूट गई थी। वृंदावन में उधार देने से मना करने पर दबंगों ने एक दुकानदार को पीट डाला। इस मारपीट में दो लोग घायल हो गए। पीड़ितों ने दबंगों पर लूटपाट का भी आरोप लगाया है। थाना वृंदावन के अटल्ला चुंगी क्षेत्र में दिन दहाड़े दबंगों द्वारा दुकान में घुसकर दुकान स्वामी और उसके भाई के साथ मारपीट कर सोने की चैन और 15,000 रुपए लूटने का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के अनुसार अटल्ला चुंगी के समीप परिक्रमा मार्ग में दुकानदार को सामान उधार न देने की बात कहना दुकानदार पर भारी पड़ गया। आरोपियों ने दुकानदार और उसके भाई के साथ जमकर मारपीट की और गले में पड़ी सोने की दो तोले की चैन और 15,000 रुपए लूटकर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग खड़े हुए। घटना की सूचना पर 100 नंबर पुलिस पीड़ितों को थाने लेकर पहुंची, जहां पुलिस ने तहरीर लेकर घायलों को उपचार के लिए भेजा है। इस संबंध में पीड़ित दुकान स्वामी नंद किशोर शर्मा ने पुलिस को दी गई तहरीर में लिखा है कि अटल्ला चुंगी के समीप उनकी LR पेंट्स के नाम से दुकान है। सोमवार की सुबह लगभग 10:30 बजे वो अपने भाई नारायण शर्मा के साथ दुकान पर बैठे हुए थे, तभी नाहर सिंह पुत्र नामालूम केदार मनीष गिरधारी और दो अन्य व्यक्ति उनके साथ आए और बाहर से बुरी बुरी गालियां देते हुए दुकान के अंदर घुस गए और जमकर मारपीट की, जिस पर प्रार्थी ने गाली देने से मना करने पर उक्त लोगों ने प्रार्थी और उसके भाई नारायण शर्मा के साथ मारपीट की। केदार और मनीष ने नारायण शर्मा के मुंह पर तमंचे की बट से प्रहार किया। मारपीट के दौरान प्रार्थी के गले में दो तोले की सोने की चेन को लूट कर ले गए, वहीं गले में रखे 15,000 रुपए भी छीन लिए। इस घटना की सूचना उन्होंने 100 नंबर पर दी। पुलिस ने तहरीर लेकर घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा है। घटना के संदर्भ में नंद किशोर शर्मा ने बताया कि बीती 6 तारीख को राजपुर निवासी नाहर सिंह उनकी दुकान से रंग की एक बाल्टी उधार ले गया था। बाद में वो अपने साथियों के साथ आया और उनसे उधार सामान मांगने लगा। हमने कहा कि सुबह सुबह का वक्त है, हम उधार नहीं देंगे। इस पर उन्होंने हमारे साथ जमकर मारपीट की। ये सभी मारपीट करने वाले राजपुर गांव के रहने वाले बताए गए हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंद किशोर शर्मा। जी क्या घटना रही आपके साथ? मेरे साथ ये घटना रही कि हम लोग सुबह जो है दुकान पर अपनी पे बैठे थे। सुबह सुबह दुकान का समय होता है। एक राजपुर के जो है कुछ व्यक्ति आए जिनका की नाम महावीर और एक दो लोग हैं और हैं 6-7 लोग थे। तो उनका कोई व्यक्ति हमारे पास पेंट लेने आया, उधार देने के लिए बोलने लगा। बोले उधार दे दो, हमको जानते नहीं हो, इस तरीके से बातें करने लगा। हमने ये कहा भाई उधार नहीं दे पाएंगे, नकद दे जाओ ले जाओ। तो उन्होंने जो है गाली गलौज दी और ऊपर से अपने लड़के बुला लिए, हमारे साथ मारपीट की
और मारपीट करने के बाद हमारे गले में जो एक सोने की चेन थी 2 तोले की, वो तोड़ के ले गए, 15-20 हज़ार रुपये थे वो निकाल के ले गए, और हमारे साथ बहुत ज़्यादा मारपीट की, काफ़ी लोग थे वो। कौन कौन लोग घायल आपके? एक तो महावीर था, घायल मैं और मेरे भाई हैं नारायण शर्मा, मैं नंदकिशोर शर्मा, दोनों हम लोग घायल हैं। मथुरा बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और सचिव का राया में स्वागत किया गया। इस दौरान नागरिकों ने फूलमालाओं से स्वागत करते हुए उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया। राया कस्बे के रामलीला ग्राउंड परिसर में मथुरा बार एसोसिएशन के नवनियुक्त अध्यक्ष संतोष कुमार शर्मा, सचिव और उपाध्यक्ष का राया नगर के गणमान्य लोगों ने फूल मालाओं के साथ शॉल उड़ाकर स्मृति चिन्ह देने के साथ भव्य स्वागत किया। इस मौके पर राया नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष राकेश कुमार शर्मा, डॉक्टर कृष्ण गोपाल, सुधीर व्यास, प्रतुल दंगल, योगेश शर्मा, नगर के गणमान्य हस्तियों ने उनका सम्मान किया। इस अवसर पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि राया नगर के लोगों के लिए हर संभव मदद का वे प्रयास करेंगे, उनका दरबार हमेशा खुला है, कोई भी पीड़ित होगा उसे न्याय जरूर दिलाया जाएगा। इस मौके पर सोनेन्द्र व्यास, मनोज वार्ष्णेय, लवी उपाध्याय और सुशील शर्मा आदि उपस्थित रहे और मंच का संचालन मुकेश अग्रवाल ने किया। ऐसे संतोष जी एडवोकेट जिन्होंने अपनी आया सेवा से लेकर राया से लेकर मथुरा तक यात्रा पूरी की और यादव के हित में जनपद में अपना एक बल स्थापित किया। द्वितीय बार तीसरी बार अध्यक्ष परिषद बार एसोसिएशन के राया का नाम रोशन किया। ऐसे व्यक्तियों का राय नगरवासियों की ओर से उनका स्वागत, उनका अभिनंदन करते में गौरव का विषय गौरव महसूस हो रहा है। मैं आशा करता हूँ, आदरणीय महोदय से अनुरोध करता हूँ। गोवर्धन क्षेत्र के पूर्व विधायक ज्ञानेन्द्र स्वरूप का सोमवार को निधन हो गया। वे 86 वर्ष के थे और क्षेत्र के 3 बार विधायक भी रहे। उनके निधन पर राजनीतिक दलों के नेताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक ज्ञानेन्द्र स्वरूप अब इस दुनिया में नहीं रहे। पूर्व विधायक ज्ञानेन्द्र स्वरूप सन 1974 से लेकर सन 1989 तक जनता दल से गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहे। पूर्व विधायक ज्ञानेन्द्र स्वरूप ने 86 वर्ष की अवस्था में अपने निजी निवास अड़िंग में लंबी बीमारी के बाद आज अंतिम सांस ली। ज्ञानेन्द्र स्वरूप चौधरी चरण सिंह के अनुयायी थे जिन्होंने अपना जीवन बड़ी ही सरलता और लोगों की सेवा कर व्यतीत किया। ज्ञानेन्द्र स्वरूप की कर्मठ और ईमानदार नेता के रूप में छवि थी। पूर्व विधायक ज्ञानेन्द्र स्वरूप के स्वर्गवासी होने की सूचना पर समर्थकों में शोक की लहर दौड़ गई। सुबह से ही पूर्व विधायक ज्ञानेन्द्र स्वरूप को श्रद्धांजलि देने के लिए समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। वहीं ज्ञानेन्द्र स्वरूप के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने पहुंचे पूर्व विधायक कुशल पाल सिंह ने कहा कि पूर्व विधायक ज्ञानेन्द्र स्वरूप जी कर्मठ और ईमानदार छवि के नेता थे जो कि लोगों की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते थे। पूर्व विधायक ज्ञानेन्द्र स्वरूप के निधन की सूचना पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे पूर्व मंत्री सरदार सिंह ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि ज्ञानेन्द्र स्वरूप जी गांव प्रधान भी रहे और 3 बार गोवर्धन के विधायक भी रहे, वो स्पष्टवादी थे। पूर्व विधायक ज्ञानेन्द्र स्वरूप की अंतिम यात्रा कस्बा अड़िंग के मुख्य बाजार से होते हुए मोक्षधाम पहुंची, जहां उनके पार्थिव शरीर को उनके बड़े बेटे धर्मेंद्र ने मुखाग्नि दी। वहीं जिला प्रशासन द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। भाई क्या कहेंगे आप भाई जी के बारे में? हाँ, श्री ज्ञानेन्द्र स्वरूप पूर्व विधायक गोवर्धन बहुत ही संघर्षशील ईमानदार व्यक्तित्व थे, जनता के लिए हर संघर्ष के लिए तैयार रहते थे। चौधरी साहब के बड़े
चौधरी चरण सिंह जी के बड़े अच्छे अनुयायी रहे थे, और जहाँ भी विकास कार्यों की बात आती थी तो वो शासन से लड़ करके, प्रशासन से लड़ करके उन सबको कराते थे। उनके निधन से बहुत बड़ी क्षति हुई है, और इतने बड़े जमींदार होने के बाद भी कभी कोई घमंड जैसे नाम की कोई चीज़ नहीं थी, कार्यकर्ताओं से मिलकर रहते थे। मैं उनको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मुझे क्या कहेंगे आप विधायक जी के बारे में कुछ? स्वर्गीय श्री ज्ञानेन्द्र स्वरूप जी बहुत अच्छे जनसेवक थे, वो गांव के प्रधान रहे, कई बार विधायक रहे, मेरा भी सौभाग्य था कि वो मेरे साथ में रहे। एकदम ईमानदार, स्पष्टवादी और मेहनती थे। किसी भी अपने मतदाता को असत्य भाषण नहीं करते थे या झूठा आश्वासन नहीं देते थे, ये उनमें बहुत बड़ी खासियत थी। जो कुछ होना है या जो कुछ करना है उन्हें वो स्पष्ट कह देते थे। उनके साथ आपको कुछ बताए हुए कुछ पल? कोई मेरे खास साथ खास? तो वो एक टर्म एमएलए रहे और मेरे पड़ोस में जहाँ मैं लखनऊ में रहता था वहीं रहते थे वो, और अपने मतदाताओं के साथ में, क्षेत्र की जनता के साथ में उनका बहुत ही मधुर व्यवहार था, सभी लोग उनकी इज्जत करते थे। और जैसा कि मैंने कहा है कि सबसे खासियत उनकी अपनी ईमानदारी, सत्यवादिता बहुत ज़्यादा थी, जिसे कहना चाहिए सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाले व्यक्ति थे, और किसानी से विशेष लगाव था, अपनी खेती बाड़ी से भी विशेष लगाव था, इधर उधर ट्रांसफ़र पोस्टिंग के चक्कर में भी ज़्यादा नहीं पड़ते थे, और अपने आदमियों के लिए बहुत ही वफादार थे। आज उनका देहावसान हो गया है, उनकी जो क्षति हुई है वो अखरती रहेगी हम लोगों को। मैं बराबर उनसे मिलता रहता था और उनके हालचाल पूछता रहता था। उनके घर वालों ने भी उनकी भरपूर सेवा की है, अच्छे से अच्छा इलाज किया कराया है मेदांता में, और लेकिन ये तो विधि का विधान है, जो आया है सो जाएगा, राजा हो या रंक हो। तो आज वो चले गए, हम लोग अफसोस में बैठे हुए हैं। किसानों की मांग को लेकर किसान संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने एसएसपी आवास से टैंक चौराहे तक पैदल मार्च किया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। किसान एसडीएम महावन और कर्मचारियों को हटाने की जिद पर अड़े हुए हैं। अपना उग्र प्रदर्शन करते ये सभी लोग वो किसान हैं जो किसान संघर्ष समिति के बैनर तले कर रहे हैं प्रदर्शन। गौरतलब है कि किसान संघर्ष समिति द्वारा पिछले 7-8 दिनों से एसएसपी आवास के समीप भूख हड़ताल की जा रही थी। किसान संघर्ष समिति की मांग थी कि किसानों को गेहूं का उचित समर्थन मूल्य दिया जाए। इसके साथ ही एसडीएम महावन गर्मा सिंह और महावन तहसील के भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को हटाया जाए। इन सभी मांगों को लेकर किसान संघर्ष समिति द्वारा जयवीर सिंह आर्य के नेतृत्व में भूख हड़ताल की जा रही थी। भूख हड़ताल के 9वें दिन किसान संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने सोमवार को समर्थन करते हुए एसएसपी आवास से लेकर टैंक चौराहे तक पैदल मार्च किया और शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा वहां पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया था, जिससे कि उत्पन्न होने वाली किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। उधर किसान संघर्ष समिति के समर्थन में राजनीतिक दलों के नेता भी धरना स्थल पर पहुंच गए। यहां पर किसानों के रोष को देखते हुए जिलाधिकारी द्वारा किसानों के प्रतिनिधि मंडल को आमंत्रित किया गया और उनसे मुलाकात की गई। इस मुलाकात में जिलाधिकारी द्वारा किसानों को संतुष्ट करने का प्रयास किया गया। उधर किसान संघर्ष समिति द्वारा अपना पैदल मार्च निकाला गया। इस दौरान किसानों ने जमकर नारेबाजी भी की। इसके पश्चात जिलाधिकारी सर्वग्राम मिश्र प्रशासनिक अधिकारियों के साथ धरना स्थल पर पहुंचे। यहां उन्होंने किसान संघर्ष समिति का ज्ञापन लेकर उन्हें आश्वस्त किया। इसके बाद एडीएम एफएनआर द्वारा किसान नेता जयवीर सिंह आर्य को जूस पिलाकर भूख हड़ताल समाप्त कराई गई। इस दौरान किसान नेताओं ने भी अपनी बात सभी के सामने रखी। ब्रजमंडलीय क्षत्रिय राजपूत महासभा ने सभी वर्गों से 10 अप्रैल को स्वेच्छा से बंद रखने का आह्वान किया है। उन्होंने सभी से कृष्ण प्लाजा पर एकत्रित होने की अपील की। ब्रजमंडल क्षत्रिय राजपूत महासभा के जिलाध्यक्ष मुकेश सरकारवार द्वारा 10 अप्रैल को सभी वर्गों से स्वेच्छा से मथुरा बंद का आह्वान किया है।
जिसमें उन्होंने कैंसर रूपी आरक्षण को खत्म करने के लिए एकजुट होने की मांग की है। वहीं उन्होंने बताया कि महामहिम राज्यपाल जी के नाम एक ज्ञापन भी दिया जाएगा, जिसमें उन्होंने सभी से निवेदन करते हुए 10 अप्रैल को कृष्णा नगर के कृष्णा प्लाजा पर एकत्रित होने की अपील की है। वहीं मुकेश सिंह सिकरवार ने बताया कि आंदोलन को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट है, जिसके लिए आज उनके पास कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे थे, जिन्हें उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि हमारे या हमारे किसी व्यक्ति द्वारा हिंसा नहीं फैलाई जाएगी और न ही किसी के साथ अभद्र व्यवहार किया जाएगा। पूरा भारत बंद है और ब्रजमंडल क्षेत्रीय राजपूत सभा उत्तर प्रदेश मथुरा का ने हम लोगों ने आह्वान किया है कि कल 10 अप्रैल को सुबह 8:30 बजे स्थान कृष्णा प्लाजा गोवर्धन चौराहे पे समस्त क्षत्रिय भाई, समस्त ब्राह्मण मासवा, समस्त कायस्थ मासवा, समस्त व्यापारी मंडल, समस्त पंजाबी मासवा और सवर्ण बंधु जो भी इस आरक्षण से पीड़ित हैं, आरक्षण से की बदौलत इनको रोजगार नहीं मिल रहा है, सरकार में नौकरी नहीं मिल रही है, उनसे अपील की है, आह्वान किया है कि कल इस आंदोलन में आने की कृपा करें और इसमें भागीदारी निभाएं। समस्त हम लोगों ने दुकानदार भाइयों से अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आप इस कैंसर रूपी बीमारी को समाप्त करने के लिए इसमें अपना दुकान बंद रखें, मॉल बंद रखें, सारी एजेंसियां बंद रखें। हम आपके चैनल से माध्यम से भी अपील कर रहे हैं और पहले भी हम लोग उनसे जा कर के भी अपील कर चुके हैं। स्वयं उनके हम लोगों के पास फोन आ रहे हैं कि आप सिकरवार जी इसको आंदोलन को आगे बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं। तो कल हम लोग कृष्णा नगर में कृष्णा प्लाजा पर एकत्रित होंगे और हजारों हजारों की संख्या में लोग आएंगे, शांति प्रिय हम लोग प्रदर्शन करेंगे और महामहिम राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपेंगे और बड़े युवाओं में बड़ा जोश है। क्यों आज ये अधिकारी आपके घर आए तो किस तरह से देखिए, आज समस्त अधिकारी हमारे एडीएम, दो एडीएम, सीओ और सिटी मजिस्ट्रेट साहब और एसपी सिटी साहब, इंस्पेक्टर, चौकी इंचार्ज सब अधिकारी हमसे बात करने के लिए आए। उन्होंने हम लोगों को जो आश्वासन दिया है, हम लोगों ने उनको आश्वासन दिया है कि उनका जो 2 तारीख को पिछला आंदोलन हुआ है उनको लेकर के आशंका थी कि ये संगठन भी कहीं पिछली तरह कहीं तोड़ फोड़ आयोजन ऐसा न करें। हम लोगों ने उनको विश्वास दिलाया है कि हमारा संगठन सम्मानित संगठन है और इस संगठन में अच्छे अच्छे लोग हैं और जो भी हमारे उस आंदोलन में आएंगे सब पढ़े लिखे व्यक्ति, समझदार व्यक्ति आएंगे, क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्तियों की और समझदार व्यक्तियों की ये समस्या है, तो वो सब लोग ठीक से आएंगे और हमने आश्वासन दिया है कि कोई भी ऐसा काम नहीं होगा। इस आंदोलन की शुरुआत मथुरा से हो रही है? बिल्कुल, हमारे ब्रजमंडल क्षत्रिय राजपूत महासभा पहले से आरक्षण मुक्त संकल्प हमारे के तहत ये काम कर रहा है और कल बहुत बड़ा रूप में लोग जागरूक हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे और ये लड़ाई जारी रहेगी। मुकेश जी, आपका कहने का मतलब है कि पुराने आंदोलन जो हुआ था उसमें तोड़ फोड़ इसका मतलब अनपढ़ लोग थे इसलिए हुई? नहीं, बिल्कुल, देखिए आप जानते हैं सारी चीज, कहीं न कहीं तो ऐसी स्थिति पैदा हुई, ऐसे लोग उनके संगठन में आए जहाँ जिस चीज की जरूरत होती है उस चीज के यही काम करना चाहिए। ट्रेन में लोगों के साथ बदतमीजी की और बसें जला दी और ये बड़ा बहुत बड़ा बजरंगबली के तस्वीर पे पढ़े लिखे लोग ऐसा नहीं करते हैं, जिम्मेदार लोग ऐसा नहीं करते हैं। हिंदू धर्म में जन्म लिया है तो हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं और सम्मान करते हैं, उन लोगों ने ऐसा किया है तो मैं तो मानता हूँ अशिक्षित आदमी ऐसा कर सकता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं कर सकता। अपनी मांगों को लेकर संविदा कर्मियों ने कैंट स्थित बिजली घर पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान एसी द्वारा पुलिस की धमकी दिए जाने पर सभी ने अपना आक्रोश प्रकट किया। मथुरा कैंट बिजली घर पर धरना प्रदर्शन करते और नारेबाजी करते सभी लोग विद्युत विभाग के संविदा कर्मचारी हैं। ये सभी संविदा कर्मचारी विद्युत विभाग की विद्युत व्यवस्था को सुचारू रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, लेकिन पिछले काफी समय से ठेकेदारी के चलते ये सभी संविदा कर्मचारी सही समय पर तनख्वाह न मिलने और उचित तनख्वाह दिए जाने की मांग को लेकर पिछले काफी समय से संघर्षरत हैं।
इन कर्मचारियों के मुताबिक ऐसे कई संविदा कर्मी हैं जो विद्युत कार्य करते समय करंट की चपेट में आकर अपना अंग गंवा चुके हैं या कि फिर अपने प्राणों को खो चुके हैं। इन कर्मचारियों को विभाग की ओर से मृतक आश्रित को नौकरी नहीं दी जा रही, तो वहीं अंग भंग होने पर पीड़ित संविदा कर्मियों को उचित मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा। इसके अलावा संविदा कर्मचारियों का कहना है कि अभी तक उनके ईपीएफ का विभाग द्वारा कोई हिसाब किताब नहीं दिया गया है। इसके अलावा अपने कार्य के स्थायीकरण को लेकर ये संविदा कर्मी पिछले कई सालों से मांग करते चले आ रहे हैं, लेकिन आज तक इन्हें मिला तो सिर्फ आश्वासन। लेकिन अब संविदा कर्मियों के सब्र का बांध टूटता ही जा रहा है। अब ये संविदा कर्मी आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट हो गए हैं। सोमवार को भी ये संविदा कर्मी अपनी मांगों को लेकर कैंट बिजली घर पर एकजुट हुए। इस पर बिगड़ी हुई विद्युत व्यवस्था को संभालने वाला भी कोई नहीं था। इन सभी कर्मचारियों का कहना था कि सोमवार को दिए गए धरना प्रदर्शन के दौरान नगरीय विद्युत वितरण खंड के एसई द्वारा उन सभी को गिरफ्तार कराने की धमकी दी गई, साथ ही उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की भी धमकी दी गई, लेकिन वो धमकियों में आने वाले नहीं हैं। उधर जब इस संदर्भ में शहरी विद्युत व्यवस्था के एसई राघवेंद्र सिंह से बातचीत की गई, तो उनका कहना था कि संविदा कर्मचारी जो मांग कर रहे हैं वो मांग स्थानीय स्तर की नहीं बल्कि उच्चाधिकारी स्तर की है। अधिकारी महोदय ने हमें वार्ता के लिए बुलाया था कि आप जो है कार्य को छोड़कर के यहाँ आ गए और आप जो है ज्यादा ही कुछ मांग करते चले जा रहे हैं। मिसर कोई मांग नहीं है, अब तक का हमारा हिसाब करा दो, एक आध दो महीने का छोड़ के करा दो। हर वर्ष की एजेंसियां हमारा पैसा ले लेके भाग गई, ईपीएफ ले लेके भाग गई। कई लोग विकलांग अपने घर से इलाज कराया है, उनका आपने कुछ नहीं दिया। जो लोग मर गए उनकी बीवियां यहाँ पे भूखी बैठी हैं, उनके बच्चों स्कूल में नहीं जा पा रहे। कम से कम जो उसका सेवा शर्तों का नियम है केवल उस नियम का पालन करा दो। हम कौन सा ज्यादा मांग रहे हैं, वेतन की तो अब हमें जरूरत है। टेंडर खत्म हो गया, दूसरी एजेंसी आने वाली है, फिर तीसरी आएगी। इसलिए हम वैसे ही परेशान थे, हम चाह रहे थे हमारी बात मंत्री जी तक पहुँचाई जाए। 6,000-8,000 रुपया हमें अब नौकरी कैसे कर ले, या इससे तो हम फ्री करने को तैयार है। हमें फिर जो है देशभक्त कहा जाए, हमें मथुरा का भक्त कहा जाए, हमारे सभी संविदा कर्मी ईमानदारी से जब तक जान में जान दम में दम है फ्री में काम करने को तैयार है। फ्री में काम कर, या तो हम पैसे ले लेंगे काम के पूरे और या फिर फ्री में करेंगे काम। परंतु मंत्री जी कम से कम मंत्री जी से हमारी बात हो जाए, हमारी बात मंत्री तक नहीं पहुंचने दे रही। अच्छा, बीच में ही सेवा शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा। अब अगला कदम क्या है आप सभी का? अब अगला कदम यह है, अभी पुलिस का इंतजार कर रहे हैं। सामने का आएगा, अभी रुकिए मैं तुम्हारा इंतजाम करता हूँ। एफआईआर करा रहे हैं, ठीक है। एफआईआर के बहाने से ही सरकार तक हमारी बात पहुँच जाए तो हम अपने को इससे ज्यादा भाग्यशाली क्या समझे। क्या कहना है आपका? ऐसा अभी हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे और यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से, तो उनका एक आदमी आया और वो राज, क्या नाम है उसका, राजीव कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, वो आए और आकर के बोला आपको ऐसी साहब बुला रहे हैं। हम लोग गए शहर वाले और हम लोग गए और जाकर के उनसे वार्ता की, तो उन्होंने सीधा सीधा कहा, बोले भाई जनवरी का तो देंगे। हमने अपनी वो मांग रखी कि साहब हम राशन वाले का जो उधार हो गया हर महीने हमको पेमेंट नहीं मिलती है, दूध वाले का स्कूलों पे बच्चों की फीस भरनी है, पैसा हमको कम से कम 2-3 महीने का जो हमारा बकाया चल रहा है उसको दे दिया जाए। मार्च तक उन्होंने छूट से ही हमसे कहा कि नहीं हम तो जनवरी का देंगे, उससे अधिक नहीं देंगे। और बोले अगर आप काम करना है तो बताएं, नहीं करना है पूर्ण तरीके से उन्होंने कहा, काम करना है तो बताएं, नहीं करना है सबके खिलाफ, तो सबके खिलाफ एफआईआर करेंगे। तो हमने कहा साहब इस तरीके से 6,000 में और 7,000 में हम काम नहीं चला सकते और ना ही अपने बच्चों को पालन, इससे तो मजदूरी करेंगे, किसी की गेट कीपरी करेंगे तो कम से कम 15,000 रुपए तो देगा। और उन्होंने एकदम स्पष्ट धमकी के नहीं करना है तो आप जाओ, बोले आप जाइए और अब हम आपके खिलाफ एफआईआर कराएंगे। ठीक है सर, आप एफआईआर कराइए, हम उसको भी जेलेंगे। भाई यहाँ से तो बढ़िया है, कम से कम एफआईआर हो जाएगी, जेल में जाएंगे, जेल में खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अपने हक के लिए हमें कहीं तक जाना पड़ेगा। एक बार बताइए, एक तरफ तो ये अधिकारी निजीकरण के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान करते हैं, तब हमारे तरफ आपका शोषण कर रहे हैं। जब हम लोगों की याद आती है तब प्रत्येक जेई प्रत्येक एसडीओ सब ने हमें बुलाया और कहा, बोले हमारा सहयोग करिए। तब तो हम एक थे,
आज हमको अलग फेंका जा रहा है। एक संविदा क्रम और दूसरी अपनी मांगे पूरी कराने के लिए तो जिले के सारे संविदा कर्मचारी बुला लिए हमें एक है। और हर एक सरकारी कर्मचारी की महीने की 7 तारीख को पेमेंट आ जाती है, वो उनकी 1 महीने की भी बकाया नहीं है और हम लोगों की 76 महीने की बकाया है। हम 4,000, 6,000 और 7,000 वाला आदमी किस तरीके से काम चलेगा ये इनको खूब अच्छी तरह बताए कि हम किस तरह से काम चला रहे हैं। संविदा कर्मियों की हड़ताल से शहर और देहात की विद्युत व्यवस्था सुबह से ही चरमरा गई। विद्युत आपूर्ति ठप होने पर उपभोक्ता दिन भर परेशान रहे। आलम ये रहा कि कैंट बिजली घर पर एसी के ऑफिस की भी बत्ती गुल हो गई। विद्युत विभाग के संविदा कर्मचारियों द्वारा सोमवार को की गई हड़ताल से केवल शहर ही नहीं बल्कि देहात क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था भी बुरी तरह से चरमरा गई। सोमवार की सुबह अचानक हुई बारिश ने विद्युत व्यवस्था को बाधित कर दिया, लेकिन सोमवार को ही संविदा कर्मचारियों की हड़ताल के चलते विद्युत व्यवस्था को संभालने वाला कोई नहीं था। यही कारण रहा कि सुबह से विद्युत आपूर्ति न होने के कारण शहर और देहात के आम उपभोक्ता खासे परेशान रहे। आलम ये रहा कि जब हमने नगरीय विद्युत वितरण मंडल के एसई से इस मामले को लेकर बातचीत ही कर रहे थे कि तभी बातचीत के दौरान विद्युत केंद्र स्थित उनके कार्यालय की भी बत्ती अचानक गुल हो गई। कैसे जरा आप भी देखिए। आपका जो सैलरी का प्रकरण है, चूंकि अभी 2 महीने पीछे चल रहा है सैलरी, मार्च से अभी जस्ट निकला ही है, तो इनका 2 महीने पीछे पैसा ही पीछे से आता है, लखनऊ से आता है, बांटा जाता है, तो लेकिन वो तैयार नहीं है। हमें तो मार्च तक का पेमेंट चाहिए और ये है वो है, तो ऐसी स्थिति में अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी तो खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। बाबा कड़ेरा सिंह विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी आवासीय स्कूल ग्राम अखा गोवर्धन सौंप मार्ग मथुरा, यहाँ आपके बच्चों को मिलता है 50 एकड़ में फैला विशाल हरा भरा विद्यालय प्रांगण। सीबीएसई बोर्ड द्वारा 10 परीक्षार्थियों को विशेष योग्यता प्रमाण पत्र, बोर्ड कक्षाओं का 100% परीक्षा फल, एनसीसी एवं एनएसएस की ट्रेनिंग, छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग अलग छात्रावास की सुविधा, वातानुकूलित भोजनालय, पोषक शाकाहारी आहार, विद्यालय की निजी गौशाला से छात्र छात्राओं हेतु गाय के शुद्ध दूध की व्यवस्था, छात्रावास से विभिन्न 9 राज्यों के 550 छात्र छात्राएं अध्ययनरत, 24 घंटे अनुभवी गार्ड और गनमैन द्वारा कड़ी सुरक्षा, योग्य एवं अनुभवी अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य, छात्रावास में छात्र की कुल फीस 80,000 से 1,00,000 तथा छात्राओं के लिए 60,000 से 75,000, अत्याधुनिक एवं सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, आर्ट और कंप्यूटर लैब के माध्यम से शिक्षण कार्य, करंट मैगजीन, न्यूज़पेपर और 5,000 से भी अधिक पुस्तकों से सुसज्जित विशाल पुस्तकालय, शैक्षणिक गुणवत्ता के साथ साथ छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए 16 विभिन्न हॉबी क्लब जैसे योगा, कुकिंग, जूडो, कराटे, कॉइन कलेक्शन, इंडोर आउटडोर गेम्स और ओपन स्काई थिएटर, कक्षा 1 से 9 और 9 से 11 ऑल स्ट्रीम प्रवेश परीक्षा 18 मार्च 2018 रविवार सुबह 10 बजे से। तो जल्द कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 7055021012, 9557369469।